एप्स तो हो गए, हां एप्स है, दिखाओ फिर कपड़े उतार के। हां यार तो नहीं। कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार आपको और भी अच्छा करने लेके आई हूँ मैं बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस आज की जो वीडियो के रिएक्शन है ना वो बहुत ही जबरदस्त है, आप खुद चलकर वीडियो को देखो यार। मैं मिलती हूँ वीडियो के बाद। हाय रिट्स, बैठ जाओ दो मिनट यार। yeah. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? no. क्या कर रहे हो यार अकेले? कुछ नहीं ऐसे बैठा बस। कोई आज ना, मेरा एक सपना था कोई आज तो एक भाई साहब एक जिम फ्रीक बंदा मिल जाए जो अपनी बॉडी पे बहुत इन्वेस्ट करता है। बड़ी दूर से देख रही थी, सही लग रहे हो यार। थैंक यू। बॉडी बॉडी अच्छी बना रखी है। एब्स तो हो गए? हाँ एब्स है। दिखाओ फिर कपड़े उतार के। यहाँ पे नहीं तो कहाँ? प्राइवेसी, पब्लिक प्लेस में शर्म आ रही है? अच्छी जगह चले जहाँ पे सिर्फ तुम और मैं। चल लेते ना यार। क्या हो गया, इतना शर्मा से क्यों रहे हो? अच्छा मैं देख रहा हूँ बट मैं नहीं, पब्लिक प्लेस में एब्स टी शर्ट उतारना सही नहीं है, जिम में वालों के लिए। अच्छा तो जीन उतारना सही है? जीन उतारना सही है, जिम में उतारना ठीक? नहीं नहीं, जीन उतारना सही है अगर शर्ट उतारना सही नहीं है तो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं binani.com जो है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उससे आप पैसे कैसे कमा सकते हो और आज मैं आपको जीतने का तरीका बताऊंगी। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डील को ओपन करेंगे। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो चार्ट अभी धीरे धीरे डाउन चल रहा है, इसका मतलब ये है कि एक मिनट बाद जो चार्ट है वो नीचे की तरफ ही जाएगा। तो इसमें मैं अपना तरीका यूज कर रही हूँ क्योंकि 90% ये मेरे दिमाग के हिसाब से ही जाता है। तो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है, आज मैं लगाऊंगी तो इसमें 5000 रुपए और वेट करूंगी डील के क्लोज होने का। तो ये नीचे जा रहा है, ऊपर गया, यस यस यस, ये नीचे, ओ यस। तो देखा आप लोगों ने, मैं जीत गई, मेरी ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और मुझे प्रॉफिट हुआ है पूरे 9000 रुपए का यार। तो देखा आप लोगों ने कितना आना है बनानी से पैसे कमाना। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आप जीते हुए पैसे को इजिली विड्रॉल भी कर सकते हो और ये टेस्टेड साइड है, मैं डेली अपने पैसे से विड्रॉल कर लेती हूँ यार। मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप बहुत सारे अच्छे पैसे कमा सकते हो। मैं अक्सर बनानी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे पैसे अर्न करती हूँ, इसका प्रॉफिट बहुत ही अच्छा मिलता है और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं यार जिनकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। तो डोंट मिस योर चांस, अर्न करो binani.com से पैसा कमाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है। यार सॉरी अगर बुरा लगे तो, मेरी ना थोड़ी ना मजाक करने की आदत है, पता है मेरे को भगवान ने ना नीचे घेरा इसलिए कि लोगों को हंसाऊं, लोगों के फेस पे स्माइल लेके आऊं। अब तुम उदास से लग रहे थे कि यार बंदा ऐसे ही ऐसे मतलब बिल्कुल दुखी आत्मा सा बन के बैठा है, तो जाना चाहिए बात करनी चाहिए बंदे से यार, क्योंकि जो लोग परेशान होते हैं ना मेरे मन में एकदम आवाज आने लगती है कि चल वो खड़ा, वो रही बंदी, वो रहा बंदा, चल उनको हंसा के आते हैं। तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ बस इसे बैठा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, टेंशन सी में थोड़ी के, एक्चुअली ना मेरा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया? कब हुआ? आज ही हुआ। अच्छा तो तुम उससे से ही बात कर रहे थे शायद, है ना फोन पे अभी? हाँ उससे बात कर रहे थे बस। इसी यार देखो ब्रेकअप तो होते रहते हैं, पर हुआ ही क्यों? मैं आपको नहीं बता सकता। अरे बताओ तो सही, बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तुम्हें पता है कुछ चीजें ऐसे होती है जो हम शेयर करें ना तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। कुछ नहीं होता, कितने शेयर किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, मन हल्का नहीं हुआ। क्या पता किसी राइट बंदे को तुमने शेयर ना किया, और मैं तो अच्छी लड़की हूँ, देखो मेरे को शेयर करोगे तो पक्का सुकून मिलेगा। अभी अभी कॉल्स की, फ्रेंड्स को, लोगों को बताया, बट उन्होंने भी ये सब बोला, लेकिन ये नहीं है कि मन हल्का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यार कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता और मैं आपको नहीं बताना चाहता बस। कुछ तो बोलो यार, मैं बुरी लड़की थोड़ा हूँ, वो तो मैं ऐसे फ्लर्ट कर रही थी, मजे ले रही थी, मेरी आदत है। नहीं आप बहुत अच्छी हो, सो ब्यूटीफुल, बट मुझे नहीं बताना प्लीज, मैं नहीं बता। अच्छा ब्रेकअप का रीज़न क्या था ये तो बता दो, कुछ तो ऐसी चीज़ें रही होगी जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। हाँ वो शायद हम दोनों एक दूसरे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। सेटिस्फाई कैसे? हम अरे वो बस मिलने के लिए प्रॉब्लम, रोज़ और उसमें थोड़ा लड़ाइयाँ प्रॉब्लम होने लगी थी, इसलिए तो प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए थोड़ा झगड़ा सा हो गया। तो मतलब ऐसा हुआ क्या था कि जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया? कोई तो रीज़न होगा ऐसे, मतलब उसके मन में आई ब्रेकअप कर लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ यार क्या हुआ ऐसा? मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया बट उसने वो नहीं समझा, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, मैं उसको बहुत प्यार कर रहा था बट वो नहीं समझ पा रही थी, वो पता नहीं क्या, वो चीट कर रही थी मुझे इतना पता है बस ये। यार चीटिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है, देखो हर चीज़ बंदा बर्दाश्त कर सकता है लेकिन जो एक धोखा होता है ना वो इतना बहुत दिल तोड़ देता है इंसान को और किसी और का होने नहीं देता। पता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आज से 4 महीने पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था, लेकिन तुम्हें पता है अपनी उस चीज़ों से मैं इतना मोटिवेट हुई ना और लाइफ में आज कुछ कर रही हूँ अच्छा, और लोग बहुत पसंद भी करते हैं कि हाँ मैं आगे बढ़ी।
तो यार वो हमारे हाथ में है कि हम इन चीजों से मोटिवेट होते हैं या फिर बिल्कुल अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। चलो अच्छा है, आप आगे बढ़े, आपका तो मैं चाहती हूँ ना तुम भी मेरी तरह आगे बढ़ो यार, बट आगे इंसान तो तुम भी हो ना। हाँ देखते हो, अभी आज ब्रेकअप हुआ ना, अभी बात में सोचता हूँ, अभी तो नहीं, अभी कुछ नहीं है, तो ब्रेकअप हो गया ना अभी। बट कब तक ऐसे परेशान रहोगे, अकेले बैठोगे ऐसे? जब तक कबीर सिंह बन जाओगे दो दिन में, मैं बता रही हूँ तुम्हें। नहीं, 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 मुझे कबीर सिंह नहीं बनना है। तो बन जाओगे ना, ऐसे ही डिप्रेशन में रहोगे, एकदम स्ट्रेस हो जाओगे, तो पागल से हो जाओगे। मेरे को पता है ना, मैंने इन चीज़ों को फेस किया है। ओके, तो मैं तुम्हें बस इतना छोटा सा, एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ यार, बढ़ो जिंदगी में आगे यार, लोग आते जाते रहते हैं, धोखा दिया यार, उसकी किस्मत खराब है ना कि उसे तुम नहीं मिले। इन चीज़ों से मोटिवेट होके कुछ करो जिंदगी में, कुछ बड़ा करो कि हाँ वो तुम्हारे पास आए, क्योंकि मेरे साथ आज के टाइम में सेम ऐसा हो रहा है कि हाँ जो बंदा मेरे को छोड़ के गया था ना, वो आज मेरे पास वापस आना चाहता है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे हूँ। तो मैं चाहती हूँ ना कि यार हर कोई ऐसा हो, ब्रेकअप से मोटिवेट हो, आगे बढ़े जिंदगी में। मम्मी पापा नहीं हमारे यार, कितना कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, कुछ सोचो यार, कुछ करते हो, और वो दो दिन की आई लड़की, उसके लिए तुम यहाँ पे। हाँ बट मैं ऐसे ही देखो, एकदम जब ब्रेकअप होता है ना तो सबकी बात है, ये थोड़ा इमोशनल थोड़ा होना पड़ता है, हो जाता है, क्योंकि आज ही एकदम अचानक से हो जाता है ना, इस चीज़ का हमें नहीं पता रहता कि हमारा कल ब्रेकअप होने वाला है। आई नो एक दो दिन लगेंगे, लेकिन उसके बाद तीसरे दिन से जिंदगी सेट है यार, बहुत सही हो जाएगा सब, बी पॉजिटिव, क्योंकि हमें नहीं पता रहता कि हमारा कल ब्रेकअप होने वाला है, और एकदम से ब्रेकअप होना, एकदम से लड़ाई होना, तो उसके लिए ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा लड़ाइयाँ बढ़ने लग जाती है, लोगों को लगता है कि जहाँ लड़ाइयाँ होती है वहाँ ज़्यादा प्यार होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, जब लड़ाइयाँ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो एक पल ऐसा आ जाता है कि सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, राइट। तो अब तुम्हें मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, उस लड़की ने तुम्हें चीट किया तो वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती कि तुम उसके लिए एक आंसू भी बहाओ, उसके लिए 5 मिनट भी अपसेट हो यहाँ पे अकेले। ओके थैंक यू, उसके लिए आपने, ठीक है मैं नहीं रहूँगा हॉस्टल, और मैंने क्यों, हाँ सही है, मैंने हाँ सही है, नहीं होता है, नहीं 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 मैं नहीं, चलो आंखों में देखो मेरी, हाँ एज अ गुड फ्रेंड मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ो, और तुम इतने अच्छे लग रहे हो, देखो बॉडी बॉडी खत्म हो जाएगी, ऐसे स्मार्ट सी लड़की दोबारा से आके बात भी नहीं करेगी। शिट यार कैसे, क्या बॉडी खत्म नहीं लगूंगा, ऐसे दिन रखो ना मेंटेन कि हाँ अच्छे अच्छे लड़के आके तुमसे बात करे दोबारा से, है ना? कैसे करता हूँ मैं, नहीं लूंगा डिस्ट्रेस, गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, ठीक है उसने तुम्हें धोखा दिया तो उसकी बदकिस्मती है ना, तुम्हारी थोड़ा है, तुम्हारी तो खुशकिस्मती है कि तुम्हारी जिंदगी से ऐसी घटिया लड़की गई, 2% की लड़की जिसने तुम्हें चीट किया, वो भी किसके लिए, 2 दिन के आए लड़के के लिए? कितने टाइम से रिलेशनशिप में थे? 1 ईयर यार, चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं आई तो तुमसे फ्लर्ट करनी थी, छोटा सा मजाक करने आई थी, एक्चुअली मेरा यूट्यूब पे चैनल है, बट देखो वो देखो कैमरा लगा हुआ, देखो सामने है ना, बट तुम इतना परेशान थे ना, तो वो प्रैंक मेरा थोड़ा इमोशनल में हो गया। एक्चुअली मैं अपनी ना रियल चीज़ें ना शेयर करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ना जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ ना, और लोग इन चीज़ों से ना गुजरे यार, आगे बढ़े ज़िंदगी में। मम्मी पापा है हमारे, पेरेंट्स हैं, उनके लिए मैं बहुत कुछ करना है ना ज़िंदगी में, है ना? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना यूट्यूब पे क्लिप जाए? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, कुछ मैसेज देना चाहते हो पब्लिक को, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी? हाँ, तो बता दो। यही देना चाहता हूँ पब्लिक को, जिसको कि अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए तो इमोशनल ना हो, ठीक है, अगर उसने छोड़ा है, लड़के ने मतलब गर्ल्स ने या बॉयज ने उसको छोड़ा है, तो ठीक है वो एक दूसरे बिल्कुल इमोशनल, लड़का तो इमोशनल ना हो, सही, क्योंकि ब्रेकअप होना, क्योंकि तो ना है कि गलत इंसान इमरजेंसी निकल जाता है। बिल्कुल राइट। अगर वो उसने मुझे किसी ने धोखा दिया है, ठीक है, तो वो इमरजेंसी गलत है, निकल गई, अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया। बिल्कुल, और आगे शादी के बाद ऐसा होगा तो वही डिवोर्स होगा, यही होगा यार, कुछ नहीं पड़ा इन सब चीज़ों में, इन चीज़ों से आगे बढ़ो यार, लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एक बार आप देखो तो सही इन चीज़ों से बाहर निकल के। थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और एक छोटा सा मैसेज भी मिला बाकी सब लोगों के लिए भी जो इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। ठीक है गाइस, कोई भी ब्रेकअप हो जाए तो इमोशनल मत हो, हैप्पी रहो, पेरेंट्स भी है, घर भी है, थोड़ा उनको भी देख के चलो, अच्छा रहे। बिल्कुल, पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं है, पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं है, ध्यान रखना अपना, ठीक है? मैं ध्यान रखूंगा अपना, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जिसने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको तो पता ही है, और दिमाग खराब रहा है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे नहीं आ रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, बाकी अच्छी अच्छी वीडियोस और आती रहेगी, हम भी हंसते रहेंगे और आपको भी हंसाते रहेंगे, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बी नैनी मेक्स योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू।
the biggest winnings. Be nanny. Do you dream about rich car? About luxury traveling? Be nanny makes your all dreams come true.